हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार, ओब्लीप्रेप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है कंजक्शन संयोजक। इससे पहले आप लास्ट वीडियो में अन्य जो कंजक्शन है वो पढ़ चुके हैं, जैसे कि एज सून एज, नो सूनर देन, हार्डली वेन का प्रयोग आप पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है आइदर और नाइदर नॉर। आज इन दो कंजक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे क्लोजली, ठीक है। तो यहां देखते हैं आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां आज के वीडियो में आप आइदर और या नाइदर नॉर का प्रयोग पढ़ेंगे। तो आइदर और जो होता है इसका अर्थ होता है या तो या, और दूसरे का अर्थ होता है नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ना, ठीक है। या तो या ना तो ना, इन दोनों का हिंदी अर्थ होता है। इसका जो आइदर और होता है स्टूडेंट्स, इसका हमेशा पॉजिटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है। लिख सकते हैं हम आइदर, स्टूडेंट देखेंगे आइदर और इज यूज्ड। आइदर और का प्रयोग किया जाता है इन पॉजिटिव सेंस, सकारात्मक रूप में, भाव में। और व्हाट वर्ब एग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट, जो क्रिया होती है इसके साथ वो दूसरे कर्ता से सहमत होती है, यानी दूसरे कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यदि सेकंड कर्ता सब्जेक्ट जो है यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि आइदर के साथ और का प्रयोग होता है, पहली बात। दूसरा, सकारात्मक के लिए प्रयोग होता है, इस नकारात्मक के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। और तीसरी बात यह है कि जो वर्ब है वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार ही आती है वाक्य में, जिसका उदाहरण आप देखेंगे। उदाहरण स्टूडेंट्स, आइदर मोहन और हिज ब्रदर, आइदर मोहन और हिज ब्रदर हैज स्टॉलन माई वॉच। ये कह रहा है या तो मोहन ने या उसके भाई ने हैज स्टॉलन, चुराई है माई वॉच, मेरी घड़ी। या तो मोहन ने या उसके भाई ने, मतलब सकारात्मक है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव के लिए प्रयोग किया गया है। या तो मोहन ने या उसके भाई ने मेरी घड़ी चुराई है। तो यहां जो है आइदर के साथ और का प्रयोग हुआ है, और यहां जो सेकंड करता है हिज ब्रदर, वो ये सिंगुलर है, जिसके कारण आप देख रहे हैं हैज का प्रयोग, जो वर्ब है वो हैज का प्रयोग किया गया है, ठीक है, सिंगुलर के। अगर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, अगर हम ये लिखेंगे कि आइदर, दूसरा वाक्य स्टूडेंट्स ये कह रहा है आइदर मोहन या तो मोहन, आइदर मोहन या तो मोहन और या हिज फ्रेंड्स, उसके मित्र आर कमिंग हियर, यहां आ रहे हैं। या तो मोहन या उसके मित्र यहां आ रहे हैं, दोनों में से कोई आएगा, एक आएगा, ठीक है, या तो मोहन आएगा या उसके मित्र आएंगे। तो यहां आइदर के साथ हम और का प्रयोग किया गया है, और जो दूसरा सेकंड सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो है हिज फ्रेंड्स, यानी हिज फ्रेंड्स जो है वो क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहां वर्ब आर का प्रयोग किया गया है ना, आर कमिंग, यहां आ रही है। तो यहां जो वर्ब है हमेशा याद रखेंगे, चाहे आइदर और का प्रयोग हो या नाइदर नॉर का प्रयोग हो, इसके साथ जो वर्ब है वो सेकंड कर्ता के अनुसार ही आती है इसमें, ठीक है। और इन एक का इसका प्रयोग जो है आइदर और का पॉजिटिव के लिए किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं नाइदर नॉर, इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। नाइदर नॉर इज यूज्ड, नाइदर नॉर का प्रयोग किया जाता है इन नेगेटिव सेंस, नकारात्मक भाव में। और बट वर्ब एग्रीज विद द सेकंड, यहां भी जो है क्रिया सेकंड कर्ता के सब्जेक्ट के अनुसार ही आती है, ठीक है, और फॉलो करती है किसका, सेकंड सब्जेक्ट का, दूसरे कर्ता का। जो भी अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखेंगे उदाहरण, बाकी स्टूडेंट्स, नाइदर ही, ना तो वह, नॉर दे और न बे, ना तो वह और न बे, आर है माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र, ना तो वह न बे, मेरे मित्र है। तो यहां देखेंगे आप कि जो सेकंड करता है वो दे है, प्लूरल है, इसीलिए यहां प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है आर का, ठीक है, और नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग किया गया है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे परीक्षा में, आप परीक्षा से संबंधित आपके में क्वेश्चन इस तरीके से देते हैं कि यहां जो है प्लूरल है, सेकंड कर्ता जो है वो प्लूरल होता है, लेकिन वहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देते हैं।
तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि जब नाइदर नॉर या आइदर और का प्रयोग होता है तो वर्ब का प्रयोग हमेशा किसके साथ किया जाता है, सेकंड कर्ता के अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो यही आपको देखना है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, नाइदर, दूसरा वाक्य है नाइदर आई न तो मैं नॉर यू न तुम आर गिल्टी अपराधी हो, न तो मैं और न तुम अपराधी हो। तो यहां वी वर्ब का जो प्रयोग किया है वो सेकंड कर्ता के अनुसार किया गया है। ठीक है, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग किया गया है, लेकिन वर्ब का जो प्रयोग किया गया है वो किसके अनुसार, सेकंड कर्ता के अनुसार किया गया है। अगर मान लीजिए परीक्षा में उदाहरण के लिए हम आपको एक वाक्य देते हैं जिसमें आपको छांटना है कि किस भाग में त्रुटि है, ठीक है, और वो छांट करके आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ठीक है, आपके आंसर का हमें इंतजार रहेगा कि आप ए ऑप्शन में त्रुटि है, बी में है, सी में है, डी है। ठीक है, तो हम उदाहरण लिखते हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं आपको। देखिए जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो इस प्रकार है, अंत में नाइदर सीता ना तो सीता, ए ऑप्शन हो गया आपका। दूसरा ऑप्शन जो है नॉर हर ब्रदर्स और न उसके भाई, बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन है इज इंटेलिजेंट यानी विद्वान है। ठीक है, न तो सीता और न उसके भाई विद्वान है। और जो डी ऑप्शन है उसमें लिखा है नो एरर। अगर इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से अगर आपको त्रुटि नजर आ रही है तो त्रुटि आप उस भाग में चिन्हित करेंगे, अगर नहीं आ रही है तो आप डी भाग में आप डी भाग को चिन्हित कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके इस आंसर का हमें इंतजार रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसी के साथ अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि अतिशीघ्र आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं और आप लगातार देख रहे हैं तो उन्हें लाइक करना भी न भूलिएगा और कमेंट्स भी आप हमें अपने लिख करके भेजिए। ठीक, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है इसका आपका मुझे इंतजार रहेगा उत्तर के लिए। ठीक है, इसके साथ मिलते हैं हम स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।